ये ड्राइव जो कर रहा है वो आप लोगों को मैं दिखाऊं। ये देखें जी, वलीद भाई ड्राइव कर रहे हैं। वलीद भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। वलीद भाई को मैंने दिया था उस दिन भी, याद करें उस दिन भी इन्होंने गाड़ी ठीक तरह नहीं चलाई, पर आज कोई ठीक है, पहले से कोई ठीक चला रहे हैं आज। तो अभी आप लोगों को मैं हरिपुर जाके मिलता हूँ, ठीक तरह जाते भी हैं या नहीं, सही है तो ना हुआ तो फिर गाँव में जा दो, सही है। अभी जा रहे हैं जी हरिपुर की तरफ। बात है फ्रेंड्स, हम लोग अभी आ गए जी मोटरवे के पास, बिल्कुल ठीक ठाक सलामत। और ये नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं, ये देखें, आज गर्मी भी बहुत थी, ये देखें बादल आए पर थोड़े थोड़े इतने नहीं हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें अभी वलीद भाई इधर से ले के जा रहे हैं जी गाड़ी को। बस ठीक तरह पहुँच जाऊँ हरिपुर। हम लोग इस टाइम आए हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए, इधर मैकेनिक भी नहीं है, मैकेनिक कह रहे हैं थके हुए हैं, सब के काम कार करके वो गाड़ी में बैठा चला गया मैकेनिक, बैठ के हम लोग इधर ही खड़े हैं। इस गाड़ी वाले को देखा जरा सही से मचा हुआ है आज, मतलब अभी हम लोगों ने, हम लोग वैसे ही आए हैं, है ना उस्मान? ओए ओए गाड़ी बहुत गर्म है, गर्मी भी बहुत है, आज बादल भी आए हुए हैं, क्या पता बारिश भी हो जाए। और इनके पास आए हैं इस टाइम हम लोग गाड़ी ठीक कराने के लिए, वो सामने जो गाड़ी लगी है बांध रहे हैं वो सामने वाली, फिर हम लोग वापस जाते हैं। तो हुआ नहीं है जी, अभी तो सत्यार भाई के ऑफिस के बाहर आए हुए हैं सत्यार भाई को उठाने के लिए, उनकी टांग पे भी लगी हुई है ना, तो उनको साथ लेके जाएंगे साथ। पीछे वलीद भाई भी खा रहे हैं, अब वलीद भाई को देख के पैसे मेरे से ले गए हैं अपने दो भाई, झूठ बोल रहा है, हटो यार पीछे, की भी कोई आदत थी है, बहुत कंजूस बंदा है जी वलीद भाई। अभी मौसम भी ठीक होगा, हजारा दिखाओ लोगों को, हजारा दिखाओ जिन लोगों ने जारा नहीं दिखाओ, हजारा नहीं, अच्छा छोड़ दें, देखने का फायदा नहीं है ना, देखने का फायदा नहीं है, नहीं अच्छा ज़्यादा हाँ बहुत प्यारा है, इधर ही होते हैं हमें भी पता है, हजारों से सब कोई भी नहीं। फ्रेंड्स मौसम चेक करें इस टाइम, स्या काले बादल और साथ में येलो येलो वाले बादल बने हुए, आज आई हुई है बारिश, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब ठीक ठाक हैं? तो अभी उस्मान अपने ये चिरन परिंद बाहर निकालने लगा, कबूतर आज बाहर निकालता है, कहता है आज मैं कबूतर अपने बाहर निकालता हूँ, उनके बाहर नहीं निकालता, क्या पता वगैरह आ जाए तो फिर हाल नहीं निकालूंगा बाहर, देखते हैं पता चले तो फिर निकाल, अब्दबाद ये नहीं जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अब्दबाद नहीं जाएगा, इसकी और मेरी घर में सुबह सुबह शरारत लगी है। तो घर में आज हमारी छोटी सिस्टर ने बनाया कद्दू, मैं किन दिन को खा रहा था, मैंने इसे बोला खाओ, कहता मैं नहीं खाता, मैंने मेरी दावत है मैं वहाँ जाऊँगा आज, तो आज एक वलीमे पे गया हुआ था, इसने नहीं खाया, मैंने इसे खाया तुम रात को तो खाओगे, अभी नहीं खाते, खाना तुमने है तुमने रात को लाजमी, कहता है मैं रात को भी नहीं खाता, रात को मैंने अब्दबाद होना है, मैं अब्दबाद चला जाऊँगा, अब्दबाद जाने का अब टाइम नहीं रहा, उस्मान टाइम भी नहीं रहा, टाइम ही है ना, उस्मान आज रात को कद्दू खाएगा, इसने मेरे साथ चैलेंज किया कि मैं रात को कद्दू भी नहीं खाऊंगा, आज रात को इसको कद्दू खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाता, खैर मैं ऊपर से ले आऊंगा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ तुमने कद्दू खाना है, नहीं नहीं मैं बाहर से, और चलो अभी कबूतरों को निकालो, पर बाहर नहीं निकालने, इनके पर पहले वो दूसरे जो काटे थे वो निकालने, कबूतरों के पर काटोगे, काटे जो है ना पीछे उनको निकालना है ताकि नए आए थे, अच्छा हाँ जी, अभी आप पकड़ोगे भी साथ, चलो आप काटो मैं वटवट से नमाज अदा कर लूँ, चले फ्रेंड्स
हम लोग अब नमाज अदा करते हैं और उस्मान अब अपने बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, तब तक मैं नमाज पढ़ लूँ। ये उस्मान भाई आप और आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब मेरे हाथ में आ गए हैं, तो सब्र करें, मैं अंदर जा के आप लोगों को दिखाता हूँ, साथ इनके बेटों के पर भी काटता हूँ। ये आ गया जी मैं अंदर, अभी ट्राई बोर्ड पर लिखाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसे पर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहले इनको पकड़ लूँ, किधर है ये नीचे पे घूम रहे हैं, इनको पकड़ लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें एक मैंने पकड़ लिया, क्या ना रहे अब आराम से हो, सब्र कर। ये देखें इसके जो है, इसके तो सारे आ गए हैं, ये देखो पर इसके नहीं अभी करने, इसके आ गए हैं, आप लोगों को बताते हैं। एक मिनट ये देखें, एक जो काटा हुआ है ना ये पर, इसको बस खींच के निकाल लेंगे, बाकी इसके सारे नए आए हैं अभी। इस साइड भी देखता हूँ कोई काटा हुआ है, ये देखें इस साइड दो हैं, ये देखें इसके दो पर हैं काटे हुए, जो दोबारा नहीं आते जब तक इनके निकालो ना ये वाले पर। ये देखें ये एक निकल गया और ये दूसरा निकल गया, अब इसके जब पर आएंगे ना फिर उड़ेगा ये। ये देखें क्या भैया इसका दूसरी किधर है, ये ले जी दूसरी भी मैंने पकड़ ली है, अब इसके पार निकाल लूँ। ये देखिए इसके नहीं आए, ये देखिए इसके मैंने काटे थे ना हम लोगों ने पार, इसके अभी नहीं आए। ये देखिए दूसरी साइड भी, इसके अभी निकालते हैं पूरे। एक तो गर्मी आज इतनी है, फ्रेंड्स इसके मैं निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ दोनों के। ये लें जी फ्रेंड्स मैंने इसके दोनों साइड से ये देखें उतार लिए, पर जो काटे थे वो सारे ये देखें दोनों साइडों से मैंने उतार लिए, इसके भी इसको भी छोड़ दें। जाओ एक मिनट, अभी अंडे भी चाहिए देख लें अंडे हैं नहीं, अभी देखते हैं जी अंडे हैं या नहीं इनमें, पहले इसमें देखते। ओहो लीत भाई 10 अंडे इसमें हो गए जी, 8 अंडे इसमें भी हो गए जी, इसमें भी जाते हैं। एक मिनट इसमें भी देख लें, इधर से आप लोगों अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि कैमरा जो है ना वो। अच्छा जी इसमें भी देखते हैं इसमें कितने हैं, 15 अंडे इसमें भी हैं जी, इसमें कितने आ गए जी, 8 अंडे इसमें भी पड़े हुए हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हैं, और बाकी रहे जी ये दो छोटे छोटे बेबी से, ये देखें बाकी दो, हाँ ये भी मार रहे हैं, ये देखें ना ये देखें। एक मिनट आप लोगों को मैं सही से दिखाऊंगा, एक मिनट ये देखें वो दे ये मारने के आ रहे हैं। फ्रेंड मैं अभी बाहर आ गया हूँ, अंदर बहुत गर्मी है, इसके अंदर बहुत बड़ी गर्मी है कसम से, ये देखें इनको भी बाहर निकाला हुआ है, गर्मी ज़्यादा है थोड़ा, ये भी इंजॉय कर लें बाहर, देखे बड़े बड़े हो गए ये भी तीनों, गर्मी आई हुई है इनको भी। इसको ब्लैक वाले को पकड़ता हूँ, ओए ये बहुत तेज़ हैं, ये नहीं पकड़ने हो रहे। अभी हम लोग अपने व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि इस टाइम मगरब का टाइम होने वाला है, तो मैं और उस्मान भाई जा रहे हैं कहीं ज़रा घूम फिर के आते हैं। अभी ये मेरी तरफ देखेगा ऊपर किधर जाना है देखा, मुझे पता था ये पूछेगा। चले चले फ्रेंड्स अभी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, उस्मान को स्पेशल दुआ में याद रखिएगा, इसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है इसको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और उस्मान अब बाल कटिंग करवाने जाएगा, बड़ी ईद की तैयारियाँ, बड़ी बड़ी तैयारियाँ करेगा उस्मान। आप लोगों को ना उस्मान को देखोगे बड़ी ईद पर, उस्मान ना किसी बकरे से कम नहीं लग रहा होगा। हम दोनों ने बाल कटवाने जाने, बाल बड़े बड़े हो गए कटवाने जाने, लेकिन पता नहीं कैसे लग जाएंगे, कटवाने पड़ेंगे वलीद भाई के, कैंची के बस का काम नहीं है तुम्हारे भी, ये देखो नहीं मेरे, अपने देखो आटो बीचो मेरे छोटे से इतने बड़े बड़े क्यों हुए मेरे बच्चों वाले। चलो फ्रेंड्स इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ओ खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।